ये जो इस टाइम बढ़िया आरपीएम के साथ चल रहा, इतना लोड लेके चला है नॉर्मल रोटावेटर पे ट्रैक्टर। अगर 35 एचपी कैटेगरी में कोई इस तरीके का टिलर है या रोटर चला रहा हो। अजी हाँ, 60,000 का प्रधान जी, 60,000 तो मैं अभी दे दूंगा इसके। नहीं आप तो ना ले रहे समस्या है। हाँ जी, और जीवन रुकता नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। जीटा ट्रैक्टर के साथ 7 फुट रोटावेटर की वीडियो दिखा रहे हैं। ये ट्रैक्टर में सिर्फ टायर बड़े हैं, 16/9/28 के इसमें टायर लगे हुए हैं। ये दूसरे के लो गियर में आवाज़ पर रत्ती भर भी फर्क नहीं है, ट्रैक्टर की कारण है उसका। अब देखो इन्होंने ज़्यादा लीवर डाउन कर दिया, थोड़ा ऊपर को करो, ज़्यादा गहराई होगी, ऊपर कर लो ऊपर। हाँ, इतनी गहराई जुताई की जरूरत ना पड़ती इसमें पेठे में। तो दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये जीटर है, और इसमें एक और बात है कि देखो 7 फिट का रोटावेटर है KSD कंपनी का, बिल्कुल साउंड लेस चल रहा है। देखो 35 HP से चला के हमने प्रूफ कर दिया, और इसमें गियर PTO भी है, और बिल्कुल नाम मात्र को लोड है, क्योंकि देखो गहराई तो ज़्यादा हम नहीं ले रहे। और देखो फिनिशिंग देखो आप रोटावेटर की कितनी बेहतरीन है। तो ये फिनिशिंग जो है दो चीज़ पर डिपेंड करती है, एक तो रोटावेटर कैसा है, उसका मैडा कौन सा है, और तीसरी बात है कि ट्रैक्टर की स्पीड कितनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रैक्टर के पीछे रोटावेटर किस गति से चल रहा है, ट्रैक्टर के रोटावेटर के RPM कितने हैं। कोई ट्रैक्टर तो 1 घंटे में जो है 9 किलोमीटर चला जा। तो ये जो है जीटर है, और रेस की बात करो तो रेस देखो आप, 3 सिलेंडर में हमारे प्रधान जी हैं, और मज़ा आ रहा प्रधान जी। प्रधान जी को कौन सा गियर है? दूसरा। तो दूसरे में चलन दो, तीसरा देख लो। देखो तीसरे गियर में भी इसकी चाल ज़्यादा नहीं है, तो तीसरे में भी बढ़िया काम कर रहा। हालांकि तीसरे में जो है दूसरे में ज़्यादा बारीक कर रहा, तीसरे में थोड़ी सी कटाई मोटी हो जा। गियर वाली PTO लगी है इसकी, जरा दूसरे के गियर में चलाओ, दूसरे के गियर में। हाँ देखो ये दूसरे के लो में गियर वाली PTO, तो चक्कर जो है और मुझे लग रहा बढ़ गए शायद थोड़े से। हाँ जी चक्कर बढ़ गए जी, बाकी आपको चक्कर बढ़े हुए लग रहे हैं, घटे हुए लग रहे हैं, आप भी बताना कमेंट करके। नहीं जी घट गए चक्कर थोड़े से प्रधान जी, कम हो गया। आप लाइव वाले लगे हैं, लाइव जो नॉर्मल चक्कर हैं 540 वाले। हाँ 540 पर दूसरे में ही, ये देखो जी 540 दूसरे में जो चक्कर ज़्यादा हैं, लाइव PTO में थोड़े से चक्कर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और गियर वाली में थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसमें सही चल रहा कुल मिला के बात यह है, और ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चल रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं है फालतू का, ये देखो मैन बात है। देखो ये 575 रफ्तार देखो भाई साहब, मुझे लग रहा 50-55 की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। और ये हमारे प्रधान जी का खेत है भैया, एक मुंगा हाईवे है प्रधान जी के, एक भैया इंगा हाईवे है प्रधान जी के, और भैया एक यहाँ हाईवे है प्रधान जी के। तो भैया जिंगे जिसको इंगे की दुकान लेनी हो इंगे की ले लियो, जिसको इंगे के मुँह वाली दुकान लेनी हो इंगे की ले लियो, और जिसको इंगे के मुँह की दुकान लेनी हो इंगे की ले लियो। तो भैया सब दुकान ही बनेंगी इसमें, कॉम्प्लेक्स बनेगा भड़ाना कॉम्प्लेक्स, अब बनेगा जब जब यहाँ सड़क पर और तरक्की से आ जाएगी। ये देखो ये देखो RPM बढ़ी हो प्रधान जी, रेस दियो। ये जो इस टाइम बढ़िया RPM के साथ चल रहा, इतना लोड लेके चला है नॉर्मल रोटावेटर पे ट्रैक्टर। अच्छा इसमें एक बात हो रहा है, देखो अब इसने जो है मोते को काटने की स्थिति बता दी कि क्या पोजीशन पे मोता कट रहा। ऐसे बारीक तो ऐसा ही करा है रोटावेटर, और 16-19 नंबर की करा रही भाई। जीटर कंपनी का जवाब नहीं है, जो बात है बहुत ही बढ़िया इन्होंने ट्रैक्टर बनाए थे अपने समय में, लेकिन किसी कारण से भी कंपनी बंद होगी। तो बड़ा हमें तो अफसोस हुआ है इस चीज़ को देख के। पहले मैं तो जीटर के ट्रैक्टरों को नहीं मानना था, मगर भाई इनकी तो कुछ मामला है ही ना, और लोग इनकी मार्केट को भी वैल्यू नहीं देते। लेकिन मेरे भाइयों जिनकी जितनी कम कीमत है ये उतने ही नगीने ट्रैक्टर हैं, इस चीज़ से मैं भी पूरा सहमत हो गया। लेकिन बस उस ट्रैक्टर साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा टूटा टाटा ना हो, परेशान ना करता हुआ हो किसानों को, किसान परेशान ना हो रहे हों, ये तमाम चीज़ें हैं। प्रधान जी ने देखो RPM स्लो कर लिए, और जो है गियर लगा लिया तीसरा लगा लिया। हाँ तीसरा गियर लगा लिया, तो मैं भावनाओं को समझगा, क्योंकि ये जो पेठे हैं ना इनके बीच बीच की जुताई करनी है, तो बारीक जुताई ज़्यादा करनी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये जो है इसे तीसरे गियर में जुताई कर रहे हैं।
और फिर जो है देखो छोटा ट्रैक्टर है तो तीसरा गियर ये बढ़िया पकड़ रहा। हाँ जी प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तीसरे के गियर में चला रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ प्रधान जी। प्रधान जी दो बात रखेंगे हमारे, बताओ प्रधान जी। देखो मैं तो और भी अपने नाम पता। हाँ जी अगर 35 एचपी की कैटेगरी में कोई इस तरीके का टिलर हैरो या रोटर चला रहा हो। प्रधान जी ये बात मैंने किसानों से कही कि भैया जितने मंदे ट्रैक्टर मिले हैं मार्केट नहीं है, बड़े बड़े महंगे ले में हैं, इन्हें छोड़ तो भैया यू ट्रैक्टर बहुत बढ़िया, इसे तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा मिलेगा यू। और तेल का भी बहुत बढ़िया। अजी तेल तो खाता ही नहीं, तेल का तो जवाब नहीं भाई साहब की, और जोर का भी जवाब नहीं है। फिर पीटीओ सॉफ्ट में इतने भी हिसाब किताब है कि 540 गियर पीटीओ। देखो प्रधान जी इसके लिए भी अलग से गरारी मैकेनिज्म बनाया होगा कभी कंपनी ने। तुमने हेडली उठाई जब आप खेत से जा रहे हो घर को, हेडली उठाई पुल्ली उसे गियर निकाल दो पीटीओ का, नहीं हेडरोलिक पंप का, हेडली ऊपर टन टी रहेगी अपने घर लेते जाओ, ना पंप चलाएं जो होता ना कुछ। अजी हाँ यू भी बढ़िया लाऊ। अच्छा जी तो हाइड्रोलिक का कौन सा लीवर है जी इसका? ये तो यहाँ हो गया हाइड्रोलिक का पुली का, ठीक है। ठीक है जी। और यहाँ दोनों हो गया पुली और पीटीओ दोनों, ठीक है जी। और इधर जो आओगे इधर आ जाए गियर वाली पीटीओ। अच्छा जी इसमें रिवर्स भी तो हाइड्रोलिक लॉक कहाँ होएगी जी? हाइड्रोलिक गियर निकालते लॉक है। अच्छा यू न्यूटन करते लॉक हो जाएगी, ऊपर उठाओ न्यूटन है लॉक है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। प्रधान जी के तो नहीं उठा रहे भैया। प्रधान जी इतने बड़े बड़े पहिए गियर दिए, क्या मामला है? ये टू चैन के टायर है तो प्रधान जी, इन्हें थोड़े दिन तैयार करना टू चैन में। अच्छा ये तो घिसे पड़े हैं, इनको कौन बोझ रहा, सूखे पड़े हैं। अब भैया गरीब भी मैं घिसे हुए टायर काम कर लें, नया जोड़ा तो 60,000 रुपये का आएगा। चलो 60,000 का ट्रैक्टर लिया है, 60,000 का गियर है, 60 का तो ना प्रधान जी तुम चलो 60,000 में ट्रैक्टर लाए हैं। अजी हाँ 60,000 का प्रधान जी, 60,000 तो मैं अभी दे दूँ इसके। नहीं आप तो ना ले रहे हैं समस्या है। हाँ जी और जीवन रुकता नहीं है, ये निरंतर चलती रहती है। सही कह रहे हो प्रधान जी, समस्या कहता है जो हो गया पहलवान उसको तो पहलवान नहीं मार के फिर वो जो है कुछ दिन बाद उसे वैसा दिक्कत होने लगे। हाँ, शरीर वो परेशान, पतला आदमी मोटे देख के, मोटा पतले देख के परेशान है। मतलब तुमने जो बात कही है ना जीवन और जो समस्या चलती रहे लगातार। बहुत से कहता है जैसे भी मेरे बच्चे जो यार पढ़ लिख ले कामयाब हो जाए, जब भी बच्चे पढ़ लिख कामयाब हो जाए फिर भी रोटी देते, फिर भी बाहर चले जाए फिर भी समस्या, फिर माँ बाप पड़े रहे जी हम अकेले पड़े, हम अकेले पड़े हैं जी, पड़ोसियों के बाल को तंग करे फिर भैया मेरे तो उला दिए उला दिए। चलो प्रधान जी पड़ा पड़ा के भेजते हैं बाहर, पड़ोसी तंग कर रहे हैं। चलो प्रधान जी चलाओ, सही कह रहे हो आप, आपकी बातों में तर्क बहुत है, ये बात सत्यता के साथ है। और देखो जी गिल्ला खेत है बहुत ज्यादा, अब चलेगा जीटर, ये जीटर है भाई, जीटर है जीटर वाले भाई। एक बात है जीटर में बढ़िया कंपनी थी जीटर, जो बात है और इन्हें दोबारे से जो ट्रैक्टर उतारे जैसे मार्केट में तो कोशिश करी है उन्होंने जीटर वालों ने, लेकिन वे ट्रैक्टर मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा हाँ पीटीओ चल रही है और ट्रैक्टर रुका हुआ, चलाओ प्रधान जी डबल डबल क्लच, ना डबल ही चलाओगे, चलाओ प्रधान जी। तो एक बात है खुब्बी वाला ट्रैक्टर तो देखो ये है ही जो बात है, अरे कल्ला पेठे जुत जाएंगे प्रधान जी, बिल्कुल पेठों की जड़ में को निकाल रहे रोटावेटर, अरे कर लो। ये देखो जी आप बहुत ही बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस, और देखो रोटावेटर भी चुप्पी जा रहा पीछा लटका हुआ, लेकिन भैया चौड़ाई ज्यादा होगी रोटावेटर से भी ट्रैक्टर की। देखो अगर तवे हो तो अब तक तो प्रधान जी रोटावेटर से टायर काट लेते हैं, क्योंकि तवा टायर ज्यादा चौड़ा हो जाता मामला। अब इससे नेड़े इसके टायर आते नहीं जी, हमने लगाया के देखे। बाकी भैया आपको इसकी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखनी हो टू चैन टा चैन की तो फ़ोन कर दियो, मतलब मैसेज कर दियो, कमेंट कर दियो, हम तो भैया कमेंट अमेंट से अपना मान लेंगे जैसे भी है, बाकी सब ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।